सालों से कश्मीर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाली पाकिस्तानी सेना आज कश्मीर के हाथ से छिन जाने पर इतनी बौखलाई हुई है कि एलओसी पर उन्होंने अपने तोप और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान भारत के साथ किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। पाकिस्तान इस वक्त हद से ज़्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनली उठाने और भारत को बेइज्जती करने के तीन उसके पैंतरे फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान का पहला पैंतरा कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े बड़े देशों के सामने उठाना और उनसे पाकिस्तान के लिए समर्थन जुटाना, ये पैंतरा तब पूरी तरीके से फेल हो गया जब इमरान खान को ऐसा लगा कि वो अभी अभी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिल करके आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भरोसा दिया है कि वो इस कश्मीर के मुद्दे पे मध्यस्थता करेंगे। लेकिन जब भारत के कश्मीर से 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ मुँह करके देखा तो अमेरिका ने सीधे लफ्ज़ों में कह दिया कि पाकिस्तान भारत के मामलों में दखल ना दे और पाकिस्तान को ये हिदायत भी दे दी कि पाकिस्तान भारत के मुद्दों पे नहीं बल्कि अपने देश में पनप रहे आतंकवाद को ख़त्म करने पे अपना टाइम और एनर्जी लगाए। तीसरा पैतरा कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाना, ये पैतरा भी पूरी तरीके से फेल हो गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इस मामले में पूरी तरीके से भारत को समर्थन दिया है। तीसरा पैतरा, ये पाकिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन और सटीक पैतरा होना चाहिए था और ये पैतरा था कि कश्मीर के मुद्दे को मुस्लिम नेशंस के सामने उठाना। पाकिस्तान ये कह के कि भारत कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर ज़ाकती कर रहा है, इस मुद्दे को पोलराइज करके मुस्लिम देशों के सामने रख सकता था और उनसे सपोर्ट हासिल कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान तभी फेल हो गया जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे मुस्लिम देश ने खुले दिल से भारत को समर्थन दिया और इतना ही नहीं भारत के कदम को सही बताया। तो अपने सारे पैतरे फेल होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो एलओसी के पास माहौल ऐसा कर दे कि पूरी दुनिया का ध्यान वापस से कश्मीर पर आ जाए। इसीलिए पाकिस्तान एलओसी के पास युद्ध जैसे माहौल खड़ा करना चाहता है जिससे दोनों देश के बीच टेंशन बढ़े और कश्मीर के ऊपर दोनों देशों की तरफ से ऐसी कार्रवाई शुरू हो जाए कि पूरी दुनिया का ध्यान वापस से कश्मीर के ऊपर आ जाए और पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगे कि कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। पाकिस्तान ने अपने दो C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ज़रिए अपने बड़े बड़े तोपों को ला करके कश्मीर के फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात कर दिया है और एलओसी के पास सटे पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं उन सब में पाकिस्तान अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को रेडी कर रहा है किसी भी युद्ध के हालात के लिए। और पाकिस्तान ने अपने कई सारे एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स को ला करके एलओसी के बिल्कुल करीब खड़ा कर दिया है। इससे भारतीयों के दिमाग में ये बात आना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान वापस से कश्मीर में कोई गंदी चाल चल सकता है जैसा उसने 1999 में चला था। पाकिस्तान की ये हरकतें दोनों देशों के हालात बिगाड़ सकती है और यहाँ पे युद्ध जैसे हालात भी पैदा कर सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो शायद पाकिस्तान यही चाहता है कि दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात पैदा हो ताकि पूरी दुनिया को ये लगे कि भारत ने कश्मीर में कोई गलत कदम उठा लिया है। पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहता है कि भारत द्वारा कश्मीर से 370 हटाना इस रीजन के पीस और स्टेबिलिटी को बिगाड़ने वाला कदम था और ये फोर्स बनाना कि भारत अपने कदम को वापस ले ले ताकि इस एरिया में पीस बना रहे। लेकिन शायद भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले को पहले से ही भाप लिया था, इसीलिए भारत ने 370 को हटाए जाने के फैसले के लागू होने या देश के सामने आने से पहले ही जम्मू और कश्मीर में एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात कर दिया था। आर्टिकल 370 जिस समय हटाया जा रहा था ऐसा एस्टिमेट है कि उन दो दिनों में जम्मू और कश्मीर में लगभग भारत के 5 लाख ट्रूप्स तैनात थे जो कि जम्मू और कश्मीर को वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हाईली मिलिटराइज्ड जोन बनाता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के हालात को देखा जाए तो यही सब वो कदम थे जिनके बदौलत अब तक जम्मू और कश्मीर में कोई भी बड़ी घटना नहीं घटी और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से ईद भी मना लिया गया और शायद 15 अगस्त भी मन जाएगा। मैं शायद वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है 15 अगस्त। पाकिस्तान अपना पूरा का पूरा अटेंशन और फोर्स लगाने वाला है 15 अगस्त के दिन कि किसी तरह वो 15 अगस्त के दिन जम्मू और कश्मीर में कोई बड़ी घटना को अंजाम दिलवा दे या फिर भारत के किसी और हिस्से में। 15 अगस्त भारत की आज़ादी और अखंडता की निशानी है और 15 अगस्त पे हमला भारत की अखंडता और संप्रभुता पे हमला होगा।
इस मुद्दे पर आर्मी चीफ बिपिन रावत का भी बयान आ गया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा LOC के पास डिप्लॉयमेंट एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो हर देश में होता रहता है और इस एक्टिविटी पर नज़र रखना हमारा काम है और हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हमारे सैटेलाइट्स ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के डिप्लॉयमेंट को लोकेट करके हमें बता दिया है, तो उन्हें अपना काम करते रहने दें और यहाँ हमारे फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं पाकिस्तान द्वारा किसी भी एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देने में। तो हम बिना किसी चिंता के पूरी खुशी के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस को मना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान कश्मीर के इस मुद्दे के लिए इतना ज़ोर लगा रहा है और क्यों ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए जीने और मरने का सवाल है। हमारी आज़ादी के समय से ही पाकिस्तान की नज़र कश्मीर के ऊपर रही है और आज़ादी होते होते ही पाकिस्तान ने अपने कबालियों को भेज करके कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करवाने के लिए अपनी गंदी चाल को चल दिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त कश्मीर के राजा हरी सिंह ने अपने समझदारी दिखाते हुए भारत से मदद ले लिया था, जिसके वजह से लगभग 40% कश्मीर भारत के पास रह गया और 60% कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान के पास चला गया। ये पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तान का भारत के हाथों पहला हार था और इसी के बाद से पाकिस्तान ने अपने पूरे पॉलिटिक्स को इस तरीके से रखा है कि उनका एक ही मुद्दा रहा है हमेशा से और वो है कश्मीर को पाना। पाकिस्तान के कई सरकारों ने कश्मीर के मुद्दे पर ही इलेक्शन जीता है, इसलिए कश्मीर वहाँ का सबसे मेन मुद्दा रहा है। वहाँ के नेताओं ने हमेशा से भारत के खिलाफ उल्टा सीधा भाषण दे करके और भारत से कश्मीर को छीनने को अपने मैनिफेस्टो में रख करके इलेक्शंस में खड़े हुए हैं और इलेक्शंस जीता है। तो कश्मीर से 370 हट जाना और कश्मीर का भारत में पूर्ण तरीके से विलय हो जाना, इससे ना सिर्फ कश्मीर के पॉलिटिशियंस बल्कि पाकिस्तान के भी पॉलिटिशियंस की रोजी रोटी छीनने वाली है। ये तो रही पॉलिटिकल बात। अब अगर बात करें आर्मी की, पाकिस्तान की आर्मी ने हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर चंदा इकट्ठा किया है। सिर्फ वहाँ की आर्मी नहीं बल्कि आर्मी के खास आतंकवादी संगठन भी कश्मीर के नाम पे ही वहाँ के लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और अपने संगठन और आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी की हमेशा से पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ी पकड़ रही है और वहाँ का जो भी नेता बनता है ऐसा कहा जाता है कि वह आर्मी के सपोर्ट से ही बनता है, यानी वह पाकिस्तानी आर्मी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। और पाकिस्तानी आर्मी का इतना स्ट्रांग अपने देश में होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटिव है भारत से कश्मीर को छीनना और भारत से बदला लेना, भारत को तोड़ना, भारत को मारना। और ये सारे कामों को अंजाम देने के लिए नेता की नहीं बल्कि सेना की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर पाकिस्तान को भारत से कश्मीर छीनना है और भारत को युद्ध में हराना है तो उसके लिए ऑब्वियसली उसे सेना की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वहाँ की सेना का पॉलिटिक्स के ऊपर और अपने देश के ऊपर इतना बड़ा दबदबा है। और अगर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से ये मुद्दा हट जाता है यानी कश्मीर का मुद्दा छिन जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो दबदबा है अपने देश के ऊपर से वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और भारत के मुद्दे की जगह पाकिस्तान में मेन मुद्दा डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, और जो कि आना भी चाहिए क्योंकि अभी इनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि अपने जनता का पेट भरना। और इससे बहुत सारे नए पॉलिटिकल पार्टीज़ उभरेंगे जो इकोनॉमी का मुद्दा आगे लेकर के आएंगे, लेकिन इससे पहले के जो लोग हैं यानी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ और अभी जो सेना है उसकी ताकत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इसी का डर उन्हें सता रहा है और बिन पानी के मछली की तरह ये छटपटा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकवादी संगठनों को ये कह भी दिया है कि ये करो या मरो का समय है, डू और डाई। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना इम्पॉर्टेंट है। इस मुद्दे के हटने से पाकिस्तानी आर्मी का वर्चस्व, वहाँ के ISI की गंदी हरकतें और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो पूरी दुनिया को चोट पहुँचा रहे हैं ये सारे ख़त्म हो सकते हैं। इनकी ताकत धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगी और शायद कोई ऐसा भी दिन आएगा जब पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं बल्कि बिजनेस और ऐसे अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे और पाकिस्तान भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ेगा और आतंकवाद को पीछे छोड़ देगा। इस बार राखी और इंडिपेंडेंस डे एक ही दिन पर पड़ रहा है तो ये बहुत ही खास मौका है और इस खास मौके पर हमारे ऑफिशियल स्टोर यानी बलिदान पर हमने 10 नए डिज़ाइंस लॉन्च कर दिए हैं। ये डिज़ाइन वैसे भी स्पेशल हैं और इतने स्पेशल ओकेजन पर लॉन्च हो रहे हैं तो वो इन्हें और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है। तो आप ज़रूर जाएं और इन स्पेशल डिज़ाइंस को चेक करें, आपको बहुत बेहतरीन लगेंगे।
और अपने मनपसंद डिज़ाइन वाले टी शर्ट्स को बहुत ही कम दामों में खरीद लें। बलिदान पे जाने के लिए आप www.balidanarmy.com पे जा सकते हैं या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे देशभक्त दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे जाके उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और उसके बगल के बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।